阳光照雨不飘，那一簇生波光摇鱼儿游，弯弯小溪，我的故乡在远方，要在我मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है, पर कहता भी कैसे। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा, घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। मम्मी नाराज तो होने ही वाली, वो तो चाहती कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इसने हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू, एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया।
अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं, और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल, और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी। मैंने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए।